खबर इस वक्त आ रही है जहां पर एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है मुंबई एयरपोर्ट से। ये बड़ी खबर जहां पर टायर फटने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर की गई। हालांकि ये एक बड़ी राहत की बात है कि विमान में जितने भी लोग सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। 120 पैसेंजर इसमें सवार थे। एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी 620। अंकुश जायसवाल न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आ रही है, क्या वजह रही इसकी? जी बिल्कुल, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, सुबह 7:40 की घटना है, हैदराबाद से मुंबई आ रही थी और तभी एयर इंडिया की जो अंडर कैरियर होती है वहां से कुछ धुआं दिखाई दिया। पायलट को ऐसा महसूस हुआ, जो क्रू थे उनको वहां पर ऐसा लगा कि धुआं वहां से निकल रहा है, तब जाके इसकी आपातकालीन इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। मेन रनवे शटडाउन पर लैंडिंग की गई है। 120 यात्री कुल सवार थे और सभी सुरक्षित है, लेकिन सभी को जो आपातकालीन द्वार होते विमान के यानी फ्लाइट के जरिए नीचे उतारा गया और कुछ देर के लिए जो मेन रनवे है मुंबई एयरपोर्ट का उसे भी शटडाउन करने यानी बंद करना पड़ा, लेकिन अभी स्थिति नॉर्मल है। तो कुल मिलाकर एक इमरजेंसी लैंडिंग की गई। एक बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि फ्लाइट से यात्री को निकाला गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रेशर हुआ होगा पायलट पर और विमान के चालक दल पर उसको लैंड करने के लिए। फिलहाल स्थिति नॉर्मल है, जो रनवे शटडाउन कर दिया गया था उसे खोल दिया गया है और जो 120 यात्री सवार थे इस फ्लाइट में सभी सुरक्षित है और सभी सुरक्षित है। जी बहुत शुक्रिया अंकुश जायसवाल तमाम जानकारी के लिए। विमान में 120 पैसेंजर सवार थे, सभी सुरक्षित हैं।